हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं कोई भी स्केचिंग का ट्यूटोरियल्स वगैरह नहीं लाई हूँ। आज मैं एक डिटेल वीडियो लाई हूँ कि मैं कौन से पेंसिल्स यूज़ करती हूँ, कौन से पेपर्स यूज़ करती हूँ, तो वो उसके बारे में मैं एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी इसी वीडियो में। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलो देखते हैं क्या क्या यूज़ करती हूँ मैं। ये स्टेडलर के पेंसिल्स जो ब्लू वाले होते हैं, ग्रेफाइट, ये मैं यूज़ करती हूँ शेडिंग के लिए। बट मैं स्टार्टिंग में 2B, 4B, HB सब यूज़ करती थी फॉर फेस। बट अभी जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करती गई तो मुझे ये सब की नीड नहीं होती, जो भी हमारे 2B पेंसिल्स, 4B और HB। मैं डायरेक्टली अभी 6B और 8B से ही काम करती हूँ। तो ये बहुत सॉफ्ट रहता है, जो 8B और 6B रहता है वो भी सॉफ्ट रहता है। तो मैं कभी कभी सिर्फ 8B से ही काम करती हूँ, 6B भी यूज़ नहीं करती। और ये स्टेडलर के ब्लैक पेंसिल्स हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर हेयर। ये काफ़ी डार्क आपको पिगमेंटेड देगा, और ये इसका एक अच्छी बात है कि ये शाइन नहीं करता है। बाकी के जो हमारे ग्रेफाइट पेंसिल्स रहते हैं वो बहुत शाइन करता है, तो ये इतना पिगमेंटेड है कि आप हेयर्स वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और सॉफ्ट भी है, सिर्फ आपको HB, 4B ये सब यूज़ नहीं करना है, ये बहुत ही हार्ड लुक दे देगा। मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स के पेपर्स लिया है, और इसी 3 टाइप्स के पेपर्स के आपको रिव्यू देने वाली हूँ। तो अभी आप देख रहे हो मैं जिस पे शेडिंग कर रही हूँ, ये नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर है जिसमें मैंने 6B से शेडिंग किया है। तो मैं स्मजिंग का आपको बताऊँगी कि कौन से टूल्स मैं यूज़ करती हूँ और कैसे यूज़ करती हूँ। तो पहले मैंने 6B से शेडिंग करके लिया है, और अभी 8B से कर रही हूँ। तो ये ब्लू वाले हैं ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं स्टेडलर के, और शेडिंग कैसे करना चाहिए गाइस आप देख लो। इसका जो टॉप पार्ट रहता है आप उससे शेडिंग मत करो, उससे आपकी शेडिंग जो है बहुत ही शार्प हो जाएगा। अगर आप इसके जो भी स्लिपिंग पार्ट्स है उससे अगर आप शेडिंग करोगे तो बहुत फास्ट भी होगी और सॉफ्ट भी बैठेगा, शार्प नहीं रहेगी वो, तो बहुत ही अच्छा लुक देगा शेडिंग में। ये एक आई शेडो एप्लीकेटर है, इसके दोनों तरफ स्पंज रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा लुक दे देता है शेडिंग को, एकदम स्मूथ इफेक्ट आ जाता है। स्पेशली जो हम हेयर्स वगैरह करते हैं, फेस के जो भी टोन्स रहता है, आईज, लिप्स एंड ऑल, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इसे। मैं मेरे हर वीडियो में यूज़ करती हूँ, अगर आप मेरे हर वीडियो को देखते हो तो आपको पता ही रहेगा। आप देख सकते हो कि जो हमारे ब्रश ने नहीं कर पाया शेडिंग, जो स्मूथिंग इफेक्ट है वो ये कर दिया। गाइस, अगर आप मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें कहा था कि मैंने एक न्यू पेपर ट्राई किया है, जो मेरे लास्ट वाले एक स्केचिंग की वीडियो था, तो वो यही पेपर है। ये 250 GSM का है, काफ़ी स्मूथ है इसके सरफेस, और जिसकी वजह से जो शेडिंग है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
ये मैंने 6B और 8B से शेडिंग करके लिया है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कितने इजीली ये ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी रफ नहीं दिखता है, एकदम स्मूथ इफेक्ट देता है इसमें। आप देख सकते हो कि ये जो मेकअप ब्रश मैंने यूज़ किया उसी से ही ये अच्छे से ब्लेंड हो गया, जो कि हमारे फर्स्ट वाले पेपर में नहीं इफ़ेक्ट आ पाया था। तो देखो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अभी ये आई शेडो एप्लीकेटर भी यूज़ करूँगी तो इससे तो और भी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो ही जाएगा, नो डाउट। देख रहे हो कि आप अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। गाइस जो भी पेपर्स मैंने यूज़ किया है इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चाहिए तो वहाँ से बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करना है। गाइज ये 170 GSM का पेपर है, स्केचिंग पेपर, ये भी काफ़ी स्मूथ है। मैंने मेरे सिर्फ लास्ट वाले वीडियो में ही 250 GSM का पेपर यूज़ किया है एंड मेरे जो जितने भी बाकी स्केचिंग की वीडियोस है वो मैंने इसी पेपर में काम किया है 170 GSM में। ये स्केच शील्ड का पेपर है 170 GSM, इसमें भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है शेडिंग। जितने भी बिगिनर्स है वो ये ट्राई ज़रूर कर सकते हो अगर आपको डायरेक्टली 250 GSM में जंप नहीं करना है तो, अच्छा खासा रिजल्ट दे देता है ये भी, अफोर्डेबल भी है ये। आई थिंक मुझे 450 अराउंड गिरा था, 450 और 500, इसमें 32 या 30 पेजेस आते हैं, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और इसका एक ख़ास बात है कि इसके हर एक पेपर में एक बटर पेपर ज़रूर होता है, तो आपके जो भी शेडिंग है वो पीछे के जो भी पेपर्स रहता है उसके साथ ब्लेंड होने के चांसेस नहीं रहता है। आप देख सकते हो कि ये जो आई शेडो एप्लीकेटर है इससे भी अच्छे से ब्लेंड हो गया। तो आपके पास कोई मटेरियल हो या ना हो, ये आई शेडो एप्लीकेटर ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। अभी मैं ये स्टेडलर के ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जो आपको मैंने बिगनिंग में बताया था। तो ये 6B है, ये वाले पेंसिल्स काफ़ी डार्क होता है और ये सिर्फ मैं हेयर्स के लिए ही यूज़ करती हूँ, स्किन टोन के लिए यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सिर्फ अगर कि आईज़ में कोई डार्क पार्ट चाहिए तो वहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ, आईज़ एंड लिप्स सिर्फ डार्क पार्ट के लिए ही यूज़ करती हूँ, बट फेस टोन के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इसे क्योंकि इतने अच्छे से ब्लेंड नहीं करेगा फेस टोन के लिए। इसका एक ही खास बात है कि ये आपको बहुत ज़्यादा शाइन वगैरह नहीं देगा।
ये 8B वाला पेंसिल है, ये काफ़ी डार्क है गाइस, आप इसे ज़रूर यूज़ करना है हेयर्स के लिए। देख सकते हो कि कितना डार्क है। 7B और 8B दोनों ही सिमिलर है, सिर्फ 8B थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। और बालों के लिए तो आप यूज़ करो ही इसे, लेकिन ये देखो ये ना काफ़ी अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, जो हमारे मेकअप ब्रश है उससे अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ, लेकिन जो आई शेडो एप्लीकेटर है उससे हो जाता है अच्छे से ब्लेंड, बट बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं होगा। जो हमारे स्किन टोन की पेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, जो स्टेडलर की ब्लू वाले होते हैं, उसकी जैसा अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, बट हेयर्स के लिए आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा था कि आप इसे फेस के लिए यूज़ मत करो। अगर आप बैकग्राउंड वगैरह बनाते हो, कोई प्लेन शेड वगैरह कोई लार्ज स्केल में बनाते हो, तो वहाँ पे तो आप एक आई शेडो एप्लीकेटर से उसे ब्लेंड नहीं कर पाओगे, तो वहाँ के लिए आप ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो जो कि बिग साइज़ में आता है, ये भी स्पंज ही है, अच्छे से ब्लेंड कर देता है, एकदम इवनली ब्लेंड कर देगा। आप देखो बैकग्राउंड वगैरह के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर फेस भी बनाते हो जहाँ पे पहले फ्लैट शेड चाहिए तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो अच्छे से ब्लेंड हो गया। गाइस ये इरेजर्स है जो भी मैं यूज़ करती हूँ, ये क्ले इरेजर है, ये तो आप सबको पता ही होगा। इसका एक अच्छी बात है कि आप इसे आपके अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो, आपको जैसा चाहिए, शार्प चाहिए तो शार्प, फेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एकदम हाईलाइट इफ़ेक्ट आपको नहीं देगा, बट ये भी यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल है, मैं इसे भी यूज़ करती हूँ। और ये वाला इरेजर भी मुझे बहुत पसंद है, जो कि बहुत ही सस्ते में आता है। देखो कितने अच्छे से ये हाईलाइट कर दिया। सिर्फ इसके जो शार्प पॉइंट रहता है आप उसे ही यूज़ कर सकते हो हाईलाइट्स के लिए, आप हेयर्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। मैंने ऐसे ही छोटे छोटे कट करके हेयर्स वगैरह के लिए यूज़ किया था, मैं जो भी लास्ट वाले वीडियोज़ वगैरह है आपने देखे होंगे। ये मोनो ज़ीरो इरेजर है, ये फ्लैट वाला है, मेरे पास राउंड वाला नहीं है। इससे भी अच्छे से हाइलाइट्स आप निकाल सकते हो, जो भी बहुत ही थिन हेयर्स रहता है उसकी डिटेलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने मेरे लास्ट वाले वीडियो में यूज़ किया था इसे, तो इसलिए उसके जो भी हेयर्स का लुक है काफ़ी अच्छे से ला पाए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर भी यूज़ कर सकते हो, छोटे छोटे पीसेस में कट करके। तो आप देख रहे हो कि ये जो 8B है, 8B का शेडिंग है, तो उसमें भी ये हाइलाइट्स निकाल दे रहा है अच्छे से। ये मोनो ज़ीरो इरेजर है, ये फ्लैट वाला है, मेरे पास राउंड वाला नहीं है। इससे भी अच्छे से हाइलाइट्स आप निकाल सकते हो, जो भी बहुत ही थिन हेयर्स रहता है उसकी डिटेलिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने मेरे लास्ट वाले वीडियो में यूज़ किया था इसे, तो इसलिए उसके जो भी हेयर्स का लुक है काफ़ी अच्छे से ला पाए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर भी यूज़ कर सकते हो, छोटे छोटे पीसेस में कट करके। तो आप देख रहे हो कि ये जो 8B है, 8B का शेडिंग है, तो उसमें भी ये हाइलाइट्स निकाल दे रहे हैं अच्छे से।
गाइस जितने भी टेक्निक्स मैंने आपसे शेयर किया है वो कैसी लगी आप बताना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में, और आप भी ट्राई करना ऐसे ही तो आपकी भी ड्राइंग्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, शेडिंग भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।